What the hell? What is this? So hi guys, आप में से बहुत लोग एक्वेरियम का फिशेस बाय करते हो, बट कभी सोचते हो उनका टैंक साइज कितना होना चाहिए, उनका ग्लास थिकनेस कितना होना चाहिए? देख रहे हैं मेरा जाइट ग्रोवी को, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। ऑलराइट, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक टैंक है। ये मेरा रेड बेली पिराना का टैंक है, ओरिजिनल रेड बेली पिराना है, ठीक है। एक और टैंक है इधर, इसमें जाइंट गोरमी है और क्लैरियस कैटफिश है, ठीक है। एंड इधर कुछ सेमी प्लांटेशन का टैंक्स है, ओके। एंड इधर मेरा 14 फीट का पॉन्ड है, कुछ मॉन्स्टर फिश है यहाँ पर। एंड उधर आप लोगों ने देखा है मेरा एक और पॉन्ड है 18 फीट का, उसमें जाइंट्स, रियल जाइंट्स है उसमें, 3 to 4 फीट बीस्ट। तो आज का टॉपिक है गाइस एक्वेरियम को लेके, ठीक है। पॉन्ड को लेके हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ओके। तो जो जो मोस्ट पॉपुलर है, कॉमन हर जगह मिल जाता है, मैं उनके ऊपर आज बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर है फ्लावर हॉर्न, मेरा पास भी एक था बहुत पहले। वापस अगर आपको देखना है फ्लावर हॉर्न तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। तो फ्लावर हॉर्न के लिए मिनिमम टैंक साइज 3 फीट से काम चल जाएगा, ठीक है। एंड उसका ग्लास का जो थिकनेस रहता है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, उसका ग्लास का थिकनेस, जैसे कि ये देखते 6 mm का थिकनेस है ये टैंक, तो 6 mm से काम चल जाएगा फ्लावर हॉर्न का, ठीक है। एंड टैंक साइज मिनिमम 3 फीट का होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्कर और भी बहुत सारे जो चिकलेट्स वगैरह रहते हैं, पैरट हो गया, फिर और भी बहुत सारे चिकलेट्स है छोटे मोटे, तो उनके लिए कितना साइज होना चाहिए मिनिमम। तो मैं सजेस्ट करूँगा एक ऑस्कर अगर आपको उस लाइफ टाइम रखना है तो 3 फीट या 2.5 फीट से काम चल जाएगा। एंड टैंक साइज तो मैंने बता दिया और ग्लास का थिकनेस भी इसका 6 mm में काम चल जाएगा। फिर बात करते हैं अरवाना, सबका फेवरेट, राइट। अरवाना का बहुत वैरायटीज है गाइस, तो अरवाना को लेके भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका केयर वीडियो आप ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो जब आप बेबी अरवाना बाय करते हो, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब आप बेबी अरवाना बाय करते हो अराउंड 5 to 6 inch आपको ईजिली मिल जाएगा, ये 2.5 feet का आसपास है, बहुत बड़ा हुआ है सिल्वर अरवाना। तो मैं भी अपना जो अरवाना मेरा था, मैं स्टार्टिंग पे उसको इस तरह का टैंक पे रेस किया था, आप लोग देखे होंगे, मैंने उसको पहले 3 feet पे रखा था, फिर 3 feet से यही वाला 4 feet टैंक पे ग्रो आउट किया था, फिर लाइक पॉन्ड पे मैं इधर डाला हूँ। तो एनीवेज, जब अब छोटा रहता है अरवाना उसके लिए ये टैंक सफिशियंट है, 6 mm का ग्लास है 3 feet का। जब वो बड़ा हो जाएगा 1.5 feet, 2 feet का आसपास चल जाएगा, तब आपको मिनिमम 8 to 10 mm का देना होगा। ये 12 mm है, बहुत ही मोटा क्लास है, इतना देने का ज़रूरत नहीं है, 10 to 8 के अंदर काम चल जाएगा, ठीक है, सिल्वर अरवाना का। एंड अगर आप एशियन अरवाना का कुछ वेराइटीज़ रखते हैं उसके लिए 8 mm तक चल जाएगा, वो लोग ज़्यादा बड़े नहीं होते एज़ कम्पेयर टू सिल्वर अरवाना, यानी बहुत एग्रेसिव होता है गाइस, दे जंप क्रेजी, लाइक आप लोग देखे होंगे मेरा वीडियो पे, खतरनाक जंप मारते हैं, ग्लास तोड़ देगा, 5 mm 6 mm का ग्लास अगर इस तरह का रहेगा तो ईजिली तोड़ सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कस, ये भी मेरा फेवरेट फिश है, अभी तो मैं नहीं रखा हूँ, बाद में ज़रूर रखूँगा मैं फ्यूचर में। तो इनके लिए मिनिमम टैंक साइज 4 feet से आप कर सकते हो, 3 feet पे भी कर सकते हो, एंड 8 mm 6 mm से इसका ग्लास का थिकनेस होना चाहिए, ज़्यादा मोटा बहुत डेलिकेट फिश होता है ये, ठीक है। तो 8 to 10 mm के लिए डिस्कस सफिशियंट है। नेक्स्ट होता है सार्क फिश, आप सार्क मतलब आईडी सार्क है, ठीक है। एक और सार्क का वेराइटीज मेरा यहाँ पर है, इसको रेनबो सार्क बोलते हैं, आप देख सकते हैं, एंड ऑरेंज रेड एंड येलो में रहता है और ब्लैक भी है, ये देखिए अंदर घुसा हुआ है, ये ब्लैक है, ओके, ये देखिए ब्लैक, ठीक है। तो सार्क का बहुत वेराइटीज है, उधर आप देख सकते हो मेरे पास कुछ परुन सार्क है, मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक फिश है गाइस, ये सार्क स्पीसीज में फ्रेश वाटर में जो एक्वेरियम पर रहता है, दे ग्रो ह्यूज, ठीक है। बहुत लोग स्टार्टिंग पे उसको 3 feet टैंक पे रखते हैं, स्टार्टिंग पे ज़्यादा बड़े नहीं होता है, ग्रोथ उनका डैमेज हो जाता है, बट इवेंचुअली वो ग्रो आउट हो जाता है, बड़े साइज का हो जाता है, तब आपको उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है दूसरे बड़े स्पेस में। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, आप अगर सार्क रखना चाहते हैं परमानेंट एक्वेरियम पे, तो लाइक मैं सजेस्ट करूँगा आप उनको मिनिमम 8 to 10 mm टैंक पे रखिए, क्योंकि वो बहुत
उनका जो फेस रहता है ना गाइस बहुत मतलब भारी रहता है। नेक्स्ट है पाकू, ये भी मॉन्स्टर कैटेगरी में आता है, वन ऑफ माय फेवरेट है। मैं बहुत बार मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि पाकूस ने मेरा हीटर तोड़ दिया, मेरा ग्लास तोड़ दिया, मेरा फिल्टर तोड़ दिया। वो है ही वैसा गाइस, उसने मेरा एक पर ये पॉन्ड का जो पंप है ना उधर, अभी देख सकते हो मैं सब पंप पे पाइप के अंदर से घुसा कर रखा हूँ सब पाइप का वायरिंग, तो दे बाइट एवरीथिंग, हर कुछ चबाने लगता है वो। तो इसीलिए पाकू बहुत ख़तरनाक फिश है गाइस, छोटे टैंक के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप उसको रखना चाहते हो मिनिमम में 10 से 12 mm का ग्लास सजेस्ट करूँगा एंड टैंक साइज 6 से 8 फीट का, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं गाइस। ये जाइंट गोरा में तो कुछ नहीं है, बच्चा है उसका सामने, वो इतना बड़ा होता है गाइस। आप देखिए मेरा वीडियो स्टार्टिंग में था मेरे पास, पाकू उसके लिए 10 से 12 mm का ग्लास सफिशियंट है, वो तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेड वैली पिराना। देखिए मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पर दो रेड वैली पिराना, ठीक है, इनके लिए 3 feet टैंक सफिशियंट है एंड इनका भी लाइक ज़्यादा बड़े नहीं होते ये लोग, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा 6 से 8 mm का ग्लास सफिशियंट है इनको रखने के लिए, ये लोग तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जाइंट गोरामी। आप देख सकते हो उधर मेरा जाइंट गोरामी है, ये जो टैंक साइज है ये अराउंड 4 feet का है। ठीक है, एंड इसका जो ये देखिए कैसे खेल रहे हैं, इसका हाइट ही 2 feet का है और विड्थ भी 2 feet का है। ठीक है, एंड सफिशियंट है इसके लिए, बहुत ही अच्छा स्पेस है। तो इसके लिए मैं ग्लास थिकनेस सजेस्ट करूँगा आप 8 से 10 mm का रखिए, क्योंकि 6 mm का ग्लास बड़े होने से ये तोड़ सकता है गाइस, बहुत ही एग्रेसिव रहता है ये एंड बहुत भारी रहता है ये फिश एंड जंप भी करता है बहुत टाइम। ठीक है, तो आप अच्छा लीड यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोई कार्प। ये तो भाई रिसेंट में एक केस बता रहा हूँ, मेरा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी किया था मेरा कोई इसने हीटर तोड़ दिया है, ग्लास ब्रेक करता है, फिल्टर हटा देता है, बहुत टाइप का प्रॉब्लम होगा भाई, बड़े फिश को छोटे जगह पर रखोगे यही सीन होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप कोइस को रखोगे, मैं हमेशा पॉन्ड ही बोलूँगा, कोइस के लिए पॉन्ड बेस्ट है, बट अगर आप बड़े एक्वेरियम्स बना पाओगे लाइक 7 से 8 feet का, तो 10-12 mm का ग्लास ले लीजिए, कोइस को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, छोटे में आप उसको 6 mm ग्लास पे रख सकते हो जब छोटा रहता है इतना छोटा छोटा, बट जब बड़ा हो जाएगा मिनिमम 10 mm मैं सजेस्ट करता हूँ गाइस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टिंगरे। मेरे पास था यहाँ पर, उसका बहुत एज हुआ था, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हुआ था तो वो मर गया, बहुत सालों से था मेरे पास। एंड स्टिंगरे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब छोटा रहता है मैं इसको 3 feet टैंक पे ग्रो आउट किया था, फिर 4 feet पे डाला था, तो 3 feet के लिए आप 6 mm में स्टार्ट कर सकते हो, फिर जब अगर आप परमानेंट उसको टैंक ही बनाओगे बड़ा टैंक, तो 10 mm सफिशियंट है उसके लिए, वो 12 mm देने का ज़रूरत नहीं। उतना हार्डी फिश मतलब स्टिंगरे वो उतना लाइक ग्लास पे मारता नहीं है लाइक पाकू एंड ऑल, तो स्टिंगरे के लिए 10 mm सफिशियंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्टैंड अलोन फिशेस लाइक जो उनको अकेले रहना में पसंद है। तो सबसे पहले है उल्फ फिश। उल्फ फिश का भी बहुत सारा वैरायटीज है, आईमारा उल्फ है, मालाबार कियस और भी बहुत सारा है, तो उल्फ फिश बहुत स्ट्रांग होता है गाइस। ठीक है, एंड उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप 10 से 12 mm में रखिए, 4 feet पे आप रख सकते हो, 4 feet by 2 feet by 2 feet, छोटे टैंक पे मत रखिए, ठीक है, ग्लास तोड़ देगा। फिर हो गया ब्लैक पिराना, वो भी बहुत बड़ा होता है गाइस, ये तो रेड बेली पिराना लाइक 3/4 उसका हाफ साइज में होता है, ब्लैक पिराना बहुत बड़ा होता है। सर तो उधर की को टेस्ट का सत है, तो ये लोग जाइंट गोरामे के साथ बहुत पसंद है, खेलता है, खेले एक तो सद ये देखिए लाइक उसको किड्स बहुत पसंद है। तो कुछ बोल भी तो रहा वीडियो तो हमारा सदा सदा बोल, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बड़ो जा वीडियो कुछ। तो हो ये था गाइस छोटा सा फनी एंड एबाबा नाइफ भी मेरा बहुत फेवरेट पीस है, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा एबाबा नाइफ पीस। आई थिंक मैं एक वीडियो देखा था यूट्यूब में, 8 feet का टैंक है अप्रॉक्स, 3 feet का विथ है एंड 2 feet का हाइट है। तो एबाबा नाइफ भी गाइस बहुत ख़तरनाक फीस है, उसको मतलब ईजी मत लीजिए। तो उसके लिए भी 12 mm ग्लास मैं सजेस्ट करूँगा, 10 से 12 mm ग्लास। फिर पफर फिश का भी बहुत सारा वैराइटीज़ है, आप देखे हो गए
तो पफर फिश के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा 10 mm 8 mm ग्लास होना चाहिए, ठीक है। फिर स्नैक हेड का भी, जैसे जाइंट स्नैक हेड हो गया, फिर चन्ना बारखा हो गया, एंड और भी बहुत सारे हैं। तो स्नैक हेड के लिए भी गाइस मिनिमम 8 से 10 mm ग्लास थिकनेस होना चाहिए एंड 4 से 5 फीट तक टैंक साइज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सबका फेवरेट, वही अभी कमी है मेरा फिश रूम में बट आएगा बहुत जल्द, गोल्ड फिश। यस, गोल्ड फिश बहुत ही डेलिकेट फिश है गाइस, उस उतना लाइक ग्लास में तो आज तक नहीं देखा हो गोल्ड फिश ग्लास तोड़ देता है। हाँ, तोड़ सकता है अगर आप ठूस ठूस के उस तरह का बोल पे रख दोगे गोल्ड फिश, देख सकते हैं आप, तब एक्सीडेंट हो सकता है। तो गोल्ड फिश के लिए गाइस 5 से 6 mm का ग्लास सफिशियंट है, एंड अगर टैंक साइज आप बड़ा करना चाहता हो लाइक 4 फीट 5 फीट का, तब आपको 10 mm का ग्लास यूज़ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्मॉल वेराइटीज़ का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इधर आप देख सकते हैं कुछ मॉलिस वगैरह है, ठीक है, एंड फिर इधर कुछ एंजल्स ये सब है, ठीक है। कुछ यहाँ पर टेट्रा वेराइटीज़ है, एंड इधर भी कुछ शार्क्स है, इधर भी बहुत सारे टाइगर बार्ब है, स्कर्ट फिश है। तो इनके लिए गाइस 4 to 5 mm ग्लास सफिशियंट है, क्योंकि इनके लिए ज़्यादा बड़ा टैंक चाहिए नहीं, 2-3, 2.5 फीट का टैंक पे आप रख सकते हो इनको। तो इनके लिए 4 से 5 mm ग्लास ही सफिशियंट है। अब बात करते हैं मेरा कुछ पर्सनल फेवरेट लाइक RTC, टाइगर सोवन लोस, एलिगेटर गार, एरापायमा। फिर ये देखिए गाइस, ये सब फिशेज स्टार्टिंग पे बहुत प्यारा रखता है, छोटा छोटा रहता है, एक्वेरियम पे आप रख दोगे इजीली रह लेगा, बट गाइस दे ग्रो प्रीटी ह्यूज, ठीक है, बहुत बड़े हो जाते हैं ये लोग। इवेंचुअली आपको एक ना एक दिन पॉन्ड पे इसको डालना होगा। अगर आप एक्वेरियम भी बनाओगे तो उसमें ग्लास का बहुत एक्सपेंस आ जाएगा, 3 साइड पर आपको वाल देना होगा, सामने का ग्लास मिनिमम 20-25 mm होना चाहिए, 12 mm ग्लास भी तोड़ सकता है गाइस, ठीक है। ये एक छोटा सा क्लिप मैं दिखा रहा हूँ, लाइक एलिगेटर गार अपना टेल से कैसे पानी छीटा रहा था आप देख सकते हैं। तो इनके लिए बहुत मोटा ग्लास होना चाहिए, इम्पोर्टेड ग्लास बोलते हैं उसको। फिर बात करते नाइफ फिश, जैसे आप देख सकते हैं उधर एक एल्बिनो नाइफ है मेरा, ठीक है, और ब्लैक वाला उधर पीछे है। तो नाइफ फिश के लिए भी गाइस ये ज़्यादा तो मतलब एग्रेसिव नहीं है, 8 से 10 mm में काम चल जाएगा, ये भी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं फ्लूइड अगार, बहुत लोग इसको लेके कंफ्यूजन है क्या ये सच में एलिगेटर गार है, नहीं गाइस ये फ्लूइड अगार, आप देख सकते हैं वीडियो पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये एकदम अलग चीज़ है, एलिगेटर गार ये नहीं है। इसका बहुत मतलब स्टोरी बहुत इसका इमोशनल है, मैं जिस दिन इसका केयर वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो इसको भी आप एक्वेरियम पे रख सकते हो, मिनिमम टैंक साइज इसका 5 फीट होना चाहिए एंड 2.5 फीट विड्थ होना चाहिए, 2 फीट हाइट होने से भी चलेगा, मिनिमम 5 फीट टैंक इसके लिए, ठीक है, एंड 10 से 12 mm का ग्लास होना चाहिए। तो ये सब तो गाइस फिशेस का हो गया, जो मोस्ट पॉपुलर है, इजीली हर जगह मिलता है, मैं ऑलमोस्ट सारे को कवर कर लिया। कुछ अगर छूट गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका ग्लास थिकनेस कितना होना चाहिए मिनिमम टैंक साइज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक और चीज़ रेप्टाइल में रेड ईयर स्लाइडर, वो भी बता दे रहा हूँ मैं, बहुत लोग मैं यूट्यूब में देखा हूँ छोटा छोटा लाइक इससे भी छोटा टैंक पे उनको रखते हैं, वो भी पेयरिंग गाइस बड़े साइज़ के, तो बहुत ख़राब लगता है मुझे देखने में। तो मैं सजेस्ट करूँगा गाइस, अगर आप रेड ईयर स्लाइडर रखते हो मिनिमम 3 फीट का एक टैंक लीजिए, मिनिमम 3 फीट चौड़ाई उसका, 2 फीट हाइट भी 2 फीट होना चाहिए, अच्छा से उसका बास्किंग एरिया दीजिएगा, यूवी लाइट और भी जो लाइट रहता है, मैं कभी रखा नहीं हूँ टर्टल बट फ्यूचर में रखूँगा, आप लोग को दिखाऊंगा। तो उनके लिए भी 10 से 12 mm का ग्लास यूज़ कीजिए, ठीक है, 6 mm का ग्लास पे छोटा सा टैंक पे मत रखिए गाइस, ठीक है, थोड़ा अपग्रेड कीजिए। ऑलराइट, सो ये था गाइस आज का वीडियो, ऐसा लगा आपको इतना सारा फिशेस का टैंक साइज ये सब बताया। तो 2020 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, कुछ दिन बाकी है, 2021 में बहुत कुछ हम लोग का प्लान है, ठीक है, हम लोग आपको धीरे धीरे बताएंगे, बहुत कुछ सरप्राइज आने वाला है। एंड एक चीज़ मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ लास्ट में, कि बहुत लोग मैं देखा हूँ यूट्यूब में ऐसे कैमरा का सामने कहीं पर बैठ जाएगा, साइड में एक फ़ोटो दिखा देगा कोई भी फिश का एंड गूगल से कहीं से भी उसका केयर वीडियो बना देगा, बट मैं थोड़ा जो मैं खुद रखा हूँ मैं उसको केयर बनाता हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको अगर उस तरह का वीडियो चाहिए मेरा चैनल पे, बस बैठ गया एक फ़ोटो लगा दिया, ऑब्वियसली मैं गूगल से कुछ इन्फो लूँगा एंड कुछ एक्सपर्ट्स हॉबीस्ट भी है उनसे भी कुछ इन्फो लेके फिर केयर वीडियो बनाऊंगा।
तो उस तरह का वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल पे कमेंट कीजिए। सो एंड पे यही बोलना चाहता हूँ गाइस, यूट्यूबर आप कभी भी कहीं भी बन सकते हो, ठीक है। आपको बस एक फ़ोन चाहिए, आप शॉप प्रमोशन करो या किसी का दूसरा चीज़ दिखा के व्यूज़ आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। बट हॉबीस्ट होना गाइस बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल का डेट पे, ठीक है, अच्छा हॉबीस्ट, ठीक है गाइस। ये सब मॉन्स्टर फिशेस में बहुत लोगों का देखा हो, लाइक छः महीना में ख़त्म, चैप्टर क्लोज, ठीक है। बट इसको कंटिन्यू करना बहुत बड़ा चैलेंज है गाइस, ठीक है। इनको रिसर्च करना, इनको लेके सोचना, मैं बोला हूँ पहले भी वीडियो पे, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया इनके लिए, तो इसीलिए मैं शायद आई कैन एक्सप्लेन बेटर मे बी। तो ये था गाइस आज का वीडियो, मैं वापस दिखाता रहूँ सारे टैंक्स को, रेड बिल्ली पिराना, जाइंट गोरामी, क्लैरियस, इधर कुछ टैंक्स है, कुछ मेरा ड्राई फ्रूट्स का आइटम है, एंड वो वाला पॉन्ड का अपडेट मैं बाद में दिखाऊंगा। थोड़ा पानी उसका हरा है, मैं बोला था यू टू सनलाइट। न्यू फिश अनबॉक्सिंग, मॉन्स्टर फिश रे पूरो। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, पीस।